हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। पीएनबी ने बढ़ाए सर्विस चार्ज, 15 जनवरी से इन सर्विस पर चुकाना होगा ज्यादा पैसा। जी हां, नए साल पर पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। पीएनबी बैंक 15 जनवरी 2022 से कई सुविधाओं के लिए पहले से ज्यादा सर्विस चार्ज वसूलने वाला है। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो जान लीजिए कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके लिए अब आपको पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट के मुताबिक मेट्रो सिटी में अकाउंट होल्डर्स को अपने खाते में 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस हमेशा रखना होगा। पहले ये लिमिट 5,000 रुपए की थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है। 10,000 रुपए से कम बैलेंस होने पर 600 रुपया प्रति तिमाही चार्ज लगेगा। पहले यही चार्ज 300 रुपया का था। तो वहीं अगर आपका खाता ग्रामीण इलाकों में है और आप अपना न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 400 रुपया प्रति तिमाही आपको चार्ज देना होगा। पहले यही चार्ज 200 रुपया का था। पीएनबी ने लॉकर की सुविधा पर 500 रुपया चार्ज बढ़ा दिया है। तो वहीं गांव में भी ये चार्ज बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 15 जनवरी से बैंक लॉकर के फ्री विजिट 15 से घटाकर 12 कर दी गई है। इसके बाद आपको हर विजिट पर 100 रुपया चार्ज देना होगा। अगर कोई ग्राहक करंट अकाउंट खोलता है और उसे 14 दिन में बंद कर देता है तो उसे 800 रुपया का फाइन देना होगा। पहले ये फाइन 600 रुपया का था। अगर कोई ईएमआई या निवेश की किस्त पैसा नहीं होने की वजह से फेल होती है तो 250 रुपया का चार्ज लगेगा। अभी तक इसके लिए 100 रुपया लगते थे। करंट अकाउंट में 1,00,000 रुपए तक जमा करने पर चार्ज नहीं होगा, लेकिन ऊपर लगेगा। पहले ये लिमिट 2,00,000 रुपए की थी। अगर आप सेविंग अकाउंट से महीने में 3 बार बैंक ब्रांच में पैसा जमा करते हैं तो ये फ्री होगा, लेकिन इसके बाद पैसा जमा करने पर 50 रुपया चार्ज देना होगा। पहले ये चार्ज 25 रुपया था। हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती थी। सीनियर सिटीजन के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। अरबों खरबों की कमाई और 1 रुपया का भी टैक्स नहीं, अब सामने आएगा चीनी फोन कंपनियों का गोरख धंधा। सरकार ने शुरू की जांच। जी हां, देश के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है। इसमें Xiaomi, Oppo और Vivo शामिल है। भारत में ये कंपनियां दोनों हाथों से कमा रही हैं, लेकिन एक भी पैसे का टैक्स सरकार को नहीं दे रही हैं। अब सरकार ने इन कंपनियों के गोरख धंधे को उजागर करने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू कर दी है। ये जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। इन कंपनियों पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान नियामकीय फाइलिंग और दूसरी तरह की रिपोर्टिंग में अनियमितता बरतने का आरोप है। इसके साथ ही उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस की भी जांच की जाएगी। चीनी कंपनियों पर ये आरोप है कि उन्होंने अपनी इनकम के बारे में जानकारी छिपाई है, टैक्स से बचने के लिए प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी है और भारतीय बाजार में घरेलू इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अपने दबदबे का इस्तेमाल किया है। सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि चीनी कंपनियों पर कंपोनेंट्स लेने और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप है। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में विभिन्न एजेंसियों ने चीनी फोन कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। आधार से पैन कार्ड को कराए लिंक, नहीं तो देना होगा 1,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, पैन कार्ड हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाले जरूरी दस्तावेजों में से एक है और इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख तय कर दी है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और इसके साथ ही जुर्माना भी लगेगा। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड में वे जानकारियां होती हैं जो इनकम टैक्स विभाग के लिए जरूरी होती है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की है। इसके बाद आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और लिंक कराने पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन कार्ड अमान्य हो जाने के बाद आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैन कार्ड भी इन सभी कार्यों के लिए जरूरी होता है। अमान्य पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत कार्रवाई की जाती है। इससे अच्छा है कि आप आधार से पैन कार्ड को लिंक करा लें। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र का राज्यों को पत्र, कहा टीकाकरण केंद्रों के संचालन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं, जरूरत के आधार पर करें काम।
जी हां, केंद्र ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को ये स्पष्ट कर दिया है कि कोविड टीकाकरण केंद्रों के काम करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है तथा वे मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर हर रोज रात 10 बजे तक काम शुरू कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि ऐसी धारणा है कि कोविड टीकाकरण केंद्र हर रोज केवल सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ही काम कर सकते हैं। अगनानी ने कहा कि इस संबंध में ये दोहराया जाता है कि CVC यानी कि कोविड टीकाकरण केंद्रों के काम करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। टीकाकरण सत्र के समय मांग और किसी CVC पर आवश्यकता के अनुसार तय किए जाते हैं। बढ़ती मांग के मामले में ये सलाह दी जाती है कि आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रत्येक टीकाकरण केंद्रों पर कई दलों की व्यवस्था की जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति की व्यवस्था लागू हो। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य के बाकी सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक समय में 50% कर्मचारियों की ही उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने COVID-19 की रोकथाम संबंधी एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में 50% कर्मचारियों की ही बुलाने की व्यवस्था लागू की जाए और आवश्यकता अनुसार घर से काम करने की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी आदेश दिया है कि निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि COVID-19 से संक्रमित पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 7 दिनों के वेतन सहित अवकाश दिया जाए। एयर इंडिया ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, यात्रा तारीख बदलने पर नहीं देने होंगे पैसे। जी हां, COVID-19 के बढ़ते लहर को देखते हुए एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी है। COVID-19 मामलों के कारण अनिश्चितताओं के मद्देनजर सभी घरेलू उड़ानों के लिए तारीख या उड़ान संख्या में एक बार मुफ्त में बदलाव करने की सुविधा दी है। एक ट्वीट में एयर इंडिया ने कहा कि घरेलू यात्री 31 मार्च 2022 को या उससे पहले कन्फर्म्ड ट्रेवल के साथ तारीख या उड़ान संख्या बदल सकते हैं। एयर इंडिया ने ट्वीट में कहा कि कोविड मामलों में बढ़ोतरी के कारण हालांकि अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया 31/3/2022 को या उससे पहले कन्फर्म यात्रा के साथ सभी घरेलू टिकटों के लिए तारीख या उड़ान संख्या में बदलाव के लिए एक फ्री चेंज की पेशकश कर रही है। COVID-19 के मामलों में बढ़ोतरी के साथ एयरलाइन उद्योग अत्यधिक दबाव में आया है। इंडिगो ने COVID-19 के मामलों को देखते हुए अपनी फ्लाइट संख्या में 20% कटौती करने का निर्णय लिया है। इंडिगो का कहना है कि यात्रा शुरू करने से कम 72 घंटे पहले फ्लाइट रद्द की जाएगी और ग्राहकों को अगली फ्लाइट में शिफ्ट किया जाएगा। कंपनियां कर्मचारियों के लिए दोबारा लागू कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम, कोरोना की नई लहर बनी है इसकी वजह। जी हां, कंपनियां अपने कर्मचारियों को वापस दफ्तर ले जाने की योजनाओं को टाल रही हैं और वे वर्क फ्रॉम होम को वापस लागू कर रही हैं। ऐसा देश में कोरोना महामारी की नई लहर को देखते हुए किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सी कंपनियों ने दफ्तरों से काम को दोबारा शुरू कर दिया था और कई दूसरी कंपनियां नए साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने पर विचार कर रही थी, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कोरोना के बहुत कम मामले सामने आ रहे थे। लेकिन दिसंबर के आखिर तक आते आते यह बदल गया जब कुछ दिनों में मामले दोगुने होने शुरू हो गए। कंपनियां अब सावधानी के साथ चल रही हैं क्योंकि उनके बहुत से कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। इसके साथ ही वे जरूरी कर्मचारियों के लिए काम को घंटों को भी घटा रही है या फिर उनके लिए नियमित तौर पर टेस्टिंग कर रही है। केरल में भी लगे कोविड प्रतिबंध, अंतिम संस्कार और शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर लगी रोक। जी हां, केरल में COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निर्देश दिया है कि विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कोविड समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार ने पिछले हफ्ते निर्देश दिया था कि किसी भी बंद परिसर में शादी समारोह, अंतिम संस्कार, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोहों में अधिकतम 75 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
ऐसे स्थानों में ऐसे समारोहों में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकते हैं। हाल ही में लिए गए ताज़ा फैसले के अनुसार अब संख्या अब कम करके 50 कर दी गई है, चाहे यह समारोह बंद स्थान में हो या फिर खुले स्थान में। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि समारोह में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम केवल आपात स्थितियों को छोड़कर ऑनलाइन ही होने चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर खुराक लगना शुरू। जी हां, कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में तेज वृद्धि के बीच देश में अब बूस्टर खुराक लगना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन कर्मचारियों और अन्य किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये तीसरी खुराक लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि बूस्टर खुराक को लगवाने के लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और पात्र लोग सीधे वैक्सीनेशन केंद्र जाकर इसे लगवा सकते हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के साथ साथ अन्य बीमारियों से ग्रसित 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक लगाने का ऐलान किया था। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय, बढ़ाई जा सकती है कुछ पाबंदियां। जी हां, दिल्ली में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई। इसमें शहर में महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए उस पर नियंत्रण के प्रयासों पर चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाए जाने पर सहमति भी बनी है। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मरने वाले लोगों की संख्या चिंताजनक है। ऐसे में स्थिति पर नियंत्रण के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना और प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि बैठक में आर्थिक प्रभाव दिखाने वाला लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय किया गया है। बैठक में शामिल अधिकारियों के अनुसार बैठक के बाद अब दिल्ली में रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खिलाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। हालांकि रेस्तरां में खाना ले जाने और होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह से सरकारी और निजी कार्यालयों में घर से काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी पाबंदियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसको लेकर जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल करेगा मामले की जांच। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए एक पैनल नियुक्त किया है। इस 5 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। कोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को अपने स्तर पर मामले की जांच स्थगित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच जल्द ही विस्तृत आदेश जारी करके पैनल के बारे में अधिक जानकारी देगी। कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा को इस पैनल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब बठिंडा से हुसैनीवाला जा रहे थे। उन्होंने ये सफर हेलीकॉप्टर से तय करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद उनका काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ा। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले प्रदर्शनकारियों ने सड़क को बंद कर रखा था। ऐसे में प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़े रहना पड़ा था। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात जारी रहेगा। दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों और झारखंड, आंतरिक ओडिशा और उत्तरी तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और दक्षिण तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। आज का सुविचार, रूस के महान साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, अगर आप पूर्णता की तलाश करते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।